हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स दैट यू हैव शोन ऑन द लॉन्च ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू फॉर ऑल योर गुड विशेस। दो दिन पहले वीडियो लॉन्च किया था, अपलोड किया था यूट्यूब पे अबाउट द लेक्चर्स एंड अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ द मेगा सोल्यूशन। एंड लॉन्च करने के बाद में एक कॉमन डाउट आया जो मुझे लगा भी था कि आएगा, और वो ये है कि YouTube क्लासेस, YouTube के लेक्चर्स जो अवेलेबल है उनमें और ये जो अभी क्लास लॉन्च करी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को मैं समझाने के लिए आपके साथ में इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली बात तो ये डिफरेंस को समझने के लिए हमें चलना होगा हमारी वेबसाइट पे। सो लेट्स गो टू आवर वेबसाइट www.asijeet.com। यहां पर आप आ जाइए, उसके बाद परचेज में आइए, बाय पेन ड्राइव। एंड चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर ड्यूरेशन को, तो वहां पर आपको ड्यूरेशन दिखेगा 180 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब यह है कि यूट्यूब लेक्चर्स और जो अभी क्लासेस लॉन्च करी है उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है ड्यूरेशन का। पर डिफरेंस सिर्फ ड्यूरेशन का नहीं है, डिफरेंस है कॉन्सेप्ट्स का, डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग का। YouTube पर जो लेक्चर्स कवर किए गए हैं उसके अंदर 54 आवर की क्लासेस अवेलेबल है। उसके बाद में ये जो क्लासेस अभी लॉन्च करी है उसका ड्यूरेशन है 180 आवर्स। इसका मतलब है कि SCMP को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है इन क्लासेस के अंदर, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन रखे गए हैं, थोड़े और एग्जाम्पल्स बढ़ाए गए हैं, एंड काफी कुछ और कवर किया गया है जो YouTube पर कवर नहीं है। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं, जो क्लासेस अभी मैंने लॉन्च करी है, वो कवर करती है अनजम्बल्ड को, स्कोप व्यू चार्ट्स को। अनजम्बल्ड जो हमारी मेन बुक है विच कवर्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और इस बुक के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बुक के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट्स को कुछ इस तरह से कवर किया गया है कि हमने इम्पॉर्टेंट पोर्शन को ऑलरेडी हाईलाइट करके आपको प्रेजेंट किया है, सो दैट सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस मेन पॉइंट्स पर रहे व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर फाइनली योर एग्जाम्स। तब जब जल्दी सब कुछ करना होता है तो हमारा ये इंटेंशन है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट के ऊपर फोकस करें, बाकी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन आई से बाकी चीजें, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट चीजों को तो अनजम्बल्ड में पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया है। सो ओनली द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट इज प्रेजेंटेड इन अनजम्बल्ड। बट उसके अंदर से भी और ज्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है उसको हमने हाईलाइट करके आपको प्रेजेंट किया है। सो द एंटायर बुक इज मल्टी कलर्ड, एंड उसका बेनिफिट हम लोग यहाँ से आपको देते हैं ताकि आप फाइनली उसको यूज कर सको इवन आफ्टर द लेक्चर्स। सेकेंडली, अनजम्बल्ड के अंदर सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट प्रेजेंट किए गए हैं, सो दैट यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ फॉर एवरी चैप्टर। एंड फिर अगर आप हर चैप्टर को इम्प्रूव करते हो तो अल्टीमेटली आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव हो जाएगा। कमिंग टू अनदर बुक जो इसके अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर कवर की गई है, विच इज कॉल्ड स्कोप व्यू चार्ट्स। दिस वॉज अ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक, और इस बुक के अंदर हमने 101 केसेस कवर किए गए हैं। 101 केसेस आर कवर्ड इन अ वेरी समराइज्ड मैनर। बट जैसे कि स्कोप व्यू होता है ना, कि हम लोग जब टेलीस्कोप के एक एंड से देखते हैं तो बहुत सिर्फ आंख हमें लगानी होती है, एक छोटा सा कोना होता है, छोटा सा सर्कल होता है, छोटा सा लेंस होता है जिसके ऊपर से हम देखते हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत कुछ दिखाई देता है, राइट? इट्स लाइक अ गैलेक्सी दैट यू कैन सी फ्रॉम अ टेलीस्कोप। सिमिलरली आप समराइज्ड कॉन्टेंट को देख रहे हो, पर आपको समझ में पूरा डिटेल में आने वाला है इन दिस स्कोप व्यू चार्ट्स। ओके, कवरिंग 101 केसेस। सो अगर समराइज कर दिया गया है तो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है कि आप 101 केसेस को बहुत आसानी से कम टाइम में कवर कर सको विद इंटरेस्ट, बिकॉज वो बुक को बनाया ही इस तरह से गया है। एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड टॉपिक वाइज सो दैट यू कैन बेनिफिट देयर एज वेल। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको बुक्स प्रेजेंट करती है, और इन बुक्स को यूज किया गया है इन लेक्चर्स के अंदर विद माय एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, विद माय सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, एंड विद अस डिस्कसिंग द केसेस टुगेदर इन दिस सीरीज। सो ये बुक्स को कवर किया गया है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं आपको प्राइसिंग का बता देता हूँ। द बुक अनजम्बल्ड इज वर्थ ₹1,299
and Scopeview is worth ₹1,199. So together, if you see, it is coming up with 2,500 worth of books. Okay, ये सारी चीजें इस series of इस batch में cover की गई है. और जो major difference है वो यही है कि अगर आप YouTube lectures को देख रहे हैं 54 hours में coverage करना और 180 hours में coverage करना, difference तो होता ही है ना. फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच में डिफरेंस होता है या नहीं होता है. यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर एससीएमपी देन जस्ट अ फास्ट ट्रैक बैच. तो अगर आप सोचिए कि किसी ने आपको मेरे लेक्चर्स रेकमेंड किए आफ्टर वॉचिंग अ फास्ट ट्रैक बैच, तो फिर आप सोच सकते हैं कि रेगुलर बैच में कितना डिटेल में मैंने एससीएमपी को सिंप्लीफाई किया होगा. आई गो हियर टू एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझाया जा सके, ताकि कॉन्सेप्ट आप समझ सके. एग्जाम्पल्स भी ऐसे लेने की कोशिश करता हूं जिससे हम रिलेट कर सके, ताकि आप जब इमेजिन कर पाओगे उस पूरे एग्जाम्पल को, पूरे एग्जाम्पल को इमेजिन कर लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट इमेजिन कर लोगे और वहीं से तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी. यहाँ पर क्वेश्चंस प्रेजेंट किए गए हैं क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पर लेक्चर्स लिए थे तो वहां पर हम लोगों ने कवर किया था स्टडी मटीरियल विच वॉज बेस्ड ऑन स्टडी मटीरियल विच वॉज अवेलेबल फॉर अटेम्प्ट्स बिफोर मे 21. बट अभी अनजम्बल्ड भी अपडेट कर दी गई है, इसके बारे में भी मैंने रिसेंटली बताया था कि आफ्टर कमिंग ऑफ मे 21 SM, मे 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो SM एप्लीकेबल है वो जब आई तो उसके क्वेश्चंस, उसके एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हमने अपने अनजम्बल्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट किए. उसके अलावा केस स्टडी डाइजेस्ट आया, उसके क्वेश्चंस हमने इनकॉर्पोरेट किए. एंड देन रिसेंट के जो RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, इनमें जितने नए क्वेश्चंस थे वो सभी हमने अनजम्बल्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं और वो सारे डिस्कस किए जाते हैं इस बैच के अंदर. इफ वी लुक एट द यूट्यूब लेक्चर्स देन वहां पर ये सारे क्वेश्चंस कवर किए गए बट अलग अलग वीडियोस के अंदर, और वो भी इस तरह से कि अगला अटेम्प्ट अगर आपका है तो आप उसको यूज कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आपको ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स पता है और क्वेश्चंस को क्विक मैनर में कवर किया गया है ओनली फॉर दोज who have their attempt coming. तो वो लोग तो उन videos को refer कर सकते हैं, but for a fresh start at SCMP, अगर आप नए हो तो शायद वो videos आपके लिए नहीं है. Then you need a better understanding, a more in-depth understanding of those questions, और वो questions को यहाँ पर इस batch के अंदर एकदम detail में लिया गया है. All the questions have been taken, I'll tell you a little bit about it. सारे questions हैं study material के updated वाली. जो रिसेंटली स्टडी मटेरियल में एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है वो सब भी कवर्ड है. RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी कवर्ड है. केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस कवर्ड है. केसेस भी कवर्ड है. ऑथर यानी कि मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस ऐड करके उनको भी कवर किया है. एंड आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल और उन्हें भी इस बैच के अंदर कवर किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम कवरिंग 101 केसेस बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम कवरिंग स्कोपव्यू चार्ट्स और उसके अंदर 101 केसेस हैं. इतने केसेस शायद ही कोई कवर करता होगा. 101 केसेस कवर करने का मतलब ये होता है कि जब आप इतने केसेस करते हो तो आप कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हो कि उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए था. विच मीन्स अगर आप एग्जाम में कोई सा भी केस स्टडी या केस सिनेरियो, नॉट जस्ट केस स्टडी बट ऑल्सो केस सिनेरियो जब देखते हो और वो नया आ जाता है तो भी यू आर इन अ पोजिशन कि आप उसको अब अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके उसमें काफी मार्क्स स्कोर कर सकते हो. दिस इज दी एडवांटेज दैट आई गिव यू थ्रू स्कोपव्यू चार्ट्स एंड थ्रू दिस बैच. ये जो बैच है ये 180 आवर्स अप्रोक्सीमेटली का ड्यूरेशन इसका रहा है, वो मैंने आपको जैसा ऑलरेडी बताया. दिस इज अवेलेबल इन पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव मोड. वैलिडिटी एक साल की है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन. आपने आज अगर एक्टिवेट किया तो एक साल तक आपका एक्टिवेशन रहेगा. उसके बाद में व्यूज भी 1.5 टाइम्स मिलते हैं आपको. So you can watch the lecture. उसके बाद में अगर आपको कोई particular topic पे doubt आता है आप उसको फिर से जाकर refer कर सकते हैं just to get a better understanding of that topic, right? But उसके अलावा एक बहुत important factor इस batch में मिलता है, वो यह है कि अगर आपने detail में understand कर लिया SCMP को तो आप लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे, समझ के retain कर पाओगे. But just in case, मान लीजिए कि आप study leaves में आते हो और SCMP अगर भूल जाते हैं तो फिर आपके पास में मेरे फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, राइट? सो यू कैन क्विकली गो टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, रेफर इट, रेफर द अंडरस्टैंडिंग जो एक क्विक मैनर में वहां पर कवर की है एंड क्विकली कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट और फिर आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर रिविजन ऑडियोज जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं
एंड उसकी मदद से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं. देन देर आर रिविजन वीडियोज जो मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, विच हेल्प्स यू फॉर लास्ट डे रिविजन व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज. आपको क्विकली रिवाइज करना डिफिकल्ट अगर हो जाता है तो उसके लिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ. एक मेजर एडवांटेज जो इस बैच के अंदर मैं देता हूँ वो ये भी है कि हर चैप्टर का, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का एक चार्ट बनाने की मैंने कोशिश करी है इस बैच के अंदर, विच मीन्स डिड आई प्रेजेंट अ वन पेजर और टू पेजर चार्ट जिसकी मदद से आप पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं. दिस गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज क्योंकि लास्ट स्टेज पर जब आपको क्विकली सारे कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने होते हैं तो इस तरह के चार्ट आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आई कॉन्स्टेंटली रिमाइंड यू एंड प्रोवाइड टेक्निक्स ड्यूरिंग द बैच कि कैसे आप SCMP को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कि आपका रिटेंशन आसान हो जाएगा, आप स्टडी लीव्स तक पूरे SCMP को रिटेन करके रख सकते हो. एंड आई टेल यू हाउ इन दिस बैच 100% डाउट सॉल्विंग इज देयर. मेरी तरफ से पूरा कम्युनिकेशन आपके साथ रहेगा. इफ यू थिंक, ये तो सब बोलते हैं, यू कैन आस्क एनी रैंडम पर्सन हु हैज एवर व्हाट्सएप मी अ डाउट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने मेरे क्लासेस देखे, जिसने मेरी बुक्स परचेज करी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बट रैंडमली ही और शी गॉट माय कॉन्टैक्ट एंड उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया फॉर आस्किंग अ डाउट. आस्क एनी सिंगल पर्सन और वो अगर आपको ये कह देंगे कि मैंने उनका डाउट सॉल्व नहीं किया था तो आप मेरी उनसे बात करा दीजिएगा एंड आई विल गिव यू प्रूफ्स. मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करने की जरूरत होगी. यू कैन आस्क एनी पर्सन, दे विल टेल यू आई सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट दैट आई गेट ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम. देन कम व्हेन इट कम्स टू कॉलिंग, तो जनरली अगर हम लोग कॉल करते हैं तो क्या उठता है, बट आप किसी से भी बात कर लीजिए जिसने भी मुझे कॉल अगर किया है और मैंने नहीं उठाया हो. आई ऑलवेज पिक अप कॉल्स, ऑलवेज. इफ आई एम अनेबल टू पिक अप अ कॉल ड्यू टू सम रीजन, आई कॉल बैक ऑल्सो. That is the level of communication that I want to have with my students because मैंने एक mission के साथ में ये concept और ये subject को पढ़ाना start किया था और वो mission ये है कि I want to eliminate the fear of SCMP from everyone's minds. और मैं इस mission के ऊपर हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि possible है और जिसकी मदद से मैं वो डर को हटा सकूँ. So if you want to eliminate the fear, definitely this batch is for you. And all the resources that I present are for you because ये सारे उस thought को दिमाग में रखते हुए ही बनाए गए हैं कि वो eliminate मैं कर सकूँ, वो डर जो है उसको हटा देना है और इसी mission के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. For this, if I have to communicate with each and every one of you, I will do it. If I have to solve each and every doubt, I will do it. Okay? So ये सारी चीजें available है. You can contact me through WhatsApp, Telegram, email. आप call भी कर सकते हो, वो भी मैं pickup करता हूँ. But apart from this, जो भी अपडेट्स होता है, बिकॉज एवरीबडी नोज SCMP फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट होता है जब हम लोग लेक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं, राइट? सो फ्रॉम द बैच टेकन, फ्रॉम द लेक्चर्स टेकन टिल द डेट ऑफ स्टडी लीव्स, वहां तक में कुछ अपडेट्स आ सकते हैं. अपडेट्स के नाम पर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं या एडिशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सो अगर ऐसा कुछ भी आता है वो पूरा कम्युनिकेशन मेरी तरफ से रहेगा आपके साथ में. दैट विल बी डन थ्रू टेलीग्राम चैनल एंड ईमेल. तो वो पूरी तरह से मेरा जो कम्युनिकेशन है वो आपके साथ में रहेगा सो दैट यू आर अपडेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग, राइट? अगर आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी मेरी तरफ से वो कम्युनिकेशन चालू रहेगा जब तक आप मना नहीं कर देते कि सर अब मुझे जरूरत नहीं है, या फिर आप मुझे मैसेज नहीं कर देते कि हम पास हो चुके हैं सर. द डे यू टेल मी दैट यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम, द कम्युनिकेशन एंड्स फ्रॉम माई साइड विथ रिगार्ड्स टू दिस अपडेट्स एंड जो भी अब नया आता है. बट हमारा कम्युनिकेशन तो चालू ही रहने वाला है बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विथ माई स्टूडेंट्स, वॉन्ट टू हेल्प देम. ये जो कनेक्शन ऑनलाइन की वजह से छूट गया है ना टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, आई वॉन्ट टू डेवलप दैट अगेन. एंड यू कैन आस्क मी एनी यू कैन आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ माइंड कि क्या ये कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता है. So they'll tell you that it does because sometimes I call you from my side to just quickly ask you how is everything going and to understand if you are facing any trouble, and I always try to respond agar aap log kuch message mujhe karte hain to, right? Now I'll tell you a little bit about the costing. It is available in pen drive mode for 9999 rupees and Google Drive mein available hai for 9500, right? Ye jo lectures ka access rahega
वो आपको सेम डे पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर पेन ड्राइव या बुक्स रहता है तो वो आपको डिलीवर की जाएगी एट योर होम एड्रेस और द एड्रेस दैट यू मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, द बुक्स एंड द पेन ड्राइव विल कम टू योर प्लेस एंड ऑल ऑफ दोज कॉस्ट, चाहे वो डिलीवरी हो या फिर पेमेंट रिलेटेड चार्जेस हो या फिर और भी कोई कॉस्ट है, वो सारी चीजें इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज द कॉस्ट 9,999 एंड 9,500 फॉर पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव मोड रेस्पेक्टिवली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ डाउट है अगर आपके दिमाग में, सो आई एम ऑल्सो रिलीजिंग ऑल्सो अपलोडिंग डेमो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब फ्रॉम दिस बैच। चैप्टर नंबर 1 के जितने लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। यू कैन वॉच देम, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज माय टीचिंग स्टाइल इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनीथिंग दैट आई एम डूइंग इन दीज लेक्चर्स। और उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं लेने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू फील दैट माय कंटेंट इज गुड एंड इट कैन हेल्प यू, डू विजिट द वेबसाइट, प्लेस योर ऑर्डर फॉर द लेक्चर्स। ऑल्सो इफ यू are not interested in purchasing the lectures but you like the book, you can separately purchase the books as well. Both Unjumbled and Scopeview are available on our website. Thank you so much for watching this video. All the best to you. Stay safe and I'll see you in the next one.